नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। दुमका के सिकारी पाड़ा के कुलकुली डंगाल में करीब दर्जन भर रियायतों से 6 करोड़ रुपए की वसूली खनन विभाग करेगा। इन रियायतों पर अवैध पत्थर उत्खनन का आरोप है। रियायतों पर भी कार्रवाई का झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने विरोध किया है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि गरीब रियायतों पर भी कार्रवाई के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। बाबूलाल मरांडी कुलकुली डंगाल पहुंचकर रियायतों से मिले और एक सभा कर गांव के लोगों को भरोसा दिया कि वो रियायतों के साथ हैं और किसी भी बेकसूर रियायतों को जेल नहीं जाने देंगे, चाहे इसकी लड़ाई दुमका से लेकर रांची तक लड़नी पड़े। बीते 1 जून को गांव के कई रियायतों के खिलाफ खनन विभाग ने अवैध खनन का आरोप लगाते हुए करीब 6,34,00,000 रुपए का भुगतान करने का नोटिस थमा दिया। खनन विभाग ने रियायतों द्वारा भुगतान नहीं करने पर केस करने की भी चेतावनी दी थी। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खनन विभाग सहित पूरा जिला प्रशासन ने पत्थर माफियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से खनन करवाया और जब ऊपर से जांच का दबाव पड़ा तो रियायतों को ही फंसा दिया और अब वसूली भी रियायतों से ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिनकी जमीन पर खुदाई कर पत्थरों का अवैध खनन किया, उन माफियों के खिलाफ खनन विभाग और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और जब गलत कामों का कोई विरोध करता है तो उल्टा विरोध करने वालों के खिलाफ केस कर फंसा दिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में वो चुप नहीं बैठेंगे, सरकार को पत्र लिखेंगे और मामले की जांच करवाएंगे ताकि इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमने जितना समझा, जो कि पुलिस प्रशासन और खनन विभाग या कह सकते हैं पूरा जिला प्रशासन मिल करके अवैध तरीके से खदान के लोगों ने पत्थर को यहाँ उत्खनन करवाया, अब जब ऊपर से दबाव पड़ा जांच पड़ताल की, आखिर इतनी तो पत्थर निकला है जो उस नोटिस को आप सब लोग पढ़ेंगे कि कितना घन मीटर बाकी वगैरह, तो अब क्या किया कि जिसका जमीन था, जो इस गांव के लोग हैं जिन लोगों ने कभी विरोध किया खुदाई का, कभी चलान का, कभी कुछ भी, अगर गांव में क्या करेगा बेचारा, अब उन्हीं लोगों के ऊपर उल्टा केस कर दिया कि आप ही लोगों ने पत्थर को ये लोग निकलवाया। स्वाभाविक है, गांव से कोई पत्थर निकालता है तो थोड़े बहुत पैसा भी मांगा होगा या मांगता भी होगा, मांगेगा ही। आप अगर इलीगल और इलीगल नहीं करने दे तो गांव के ऊपर लोग केस करता है कि ये लोगों ने हम लोगों को परेशान करता है, जैसे आपने देखा कि पत्थर को रोका तो उनके ऊपर छिनताई केस कर। तो कुल मिला करके जिला प्रशासन ने यहाँ से पत्थर को लूटा। अब पत्थर की वो जो लूट हुई है वो पैसा कहाँ से भर पाई हो, तो इन लोगों को नोटिस कर दिया गरीबों, यही खेल है इसमें। अब आप क्या करेंगे? अब इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम बात करेंगे, हम लिखेंगे सरकार को कि भाई इस पर जांच करिए, जांच इस पर बैठाने की हम कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर इसी प्रकार से सब कुछ खनिज को भी लोग लूटते रहेंगे और गरीब इसको क्या बोलते हैं, खेत खाए गधा और मार खाए कोई और, तो भाई ये तो नहीं चलेगी ना। खाएगा कोई यहाँ जो माफिया है, जो पत्थर का ही जो लोग खुदवाता है, उसमें से पैसा कौन खाया? माइनिंग विभाग वालों ने पैसा कौन खाया? पुलिस विभाग वालों ने पैसा कौन खाया? अंचल वालों ने, तो ये सारे लोगों ने पैसा खाया जिला में, और उसकी हिस्सा किस किस को गया है, सो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं। और अब जब जांच हो रही है तो वसूली किससे हो रही है भाई? ये बेचारा गरीब किसानों से वसूली हो रही है, मजदूरों से वसूली हो रही है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।